टेस्ट क्रिकेट में 400 से ज्यादा रनों का टारगेट चेस करना लगभग असंभव सा है, लेकिन नामुमकिन नहीं, वो भी तब जब टीम के पास डेढ़ दिन का समय हो। टेस्ट क्रिकेट में अभी तक सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है। भारत के साथ आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में भी ऐसी स्थिति है। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मैच में भारत के सामने 444 रनों का लक्ष्य रखा है। भारत ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक अपने 3 विकेट खोकर 164 रन बना लिए। यानी मैच के आखिरी दिन भारत को जीत के लिए 280 रन चाहिए और भारत के पास बचे हैं 7 विकेट। क्रीज पर मौजूद हैं विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे। अब सवाल ये है, क्या भारत यहाँ से टेस्ट मैच जीत सकता है? कोहली और रहाणे ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, उससे लग रहा है कि दोनों अच्छी लय में हैं। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक कोहली 44 और रहाणे 20 रन बनाकर खेल रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रहाणे ने पहली पारी में 89 का स्कोर किया था। साथ में बल्लेबाजी करते हुए कोहली और रहाणे ने पहले भी भारत को कई मैच जिताए हैं। ये हर कोई जानता है कि अगर कोहली और अजिंक्य रहाणे टिक गए तो जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं, वो इस रन को चेस करने में सफल हो जाएंगे। कोहली वैसे भी वो बल्लेबाज हैं जो हार नहीं मानते। जब कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तानी संभाली थी, तब उन्होंने अपनी मंशा साफ बता दी थी कि वो जीत के लिए खेलना चाहते हैं। उनकी कप्तानी में भी टीम इंडिया ने यही अंदाज देखा था जो आज तक कायम है। कोहली खुद इस समय क्रीज पर मौजूद हैं और ये उनके लिए सबसे सही मौका है अपनी पूरी आक्रामकता का नमूना पेश कर टीम को जीत दिलाएं, और वही आक्रामकता जिसके लिए कोहली कई बार आलोचना भी झेल चुके हैं। इसके अलावा भारत की बल्लेबाजी देखी जाए तो भारत के पास नंबर 8 तक शार्दुल ठाकुर मौजूद हैं, जिन्होंने पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी की थी और रहाणे के साथ साझेदारी भी की थी। कोहली और रहाणे के बाद भारत के पास रविंद्र जडेजा, KS भरत, शार्दुल ठाकुर जैसे बल्लेबाज हैं। KS भरत ने अभी तक टेस्ट में अपनी बल्लेबाजी का कमाल नहीं दिखाया है, लेकिन घरेलू क्रिकेट में वो काफ़ी अच्छा कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में उनका औसत 37 का है और वो 9 शतक और 27 अर्धशतक जमा चुके हैं। जडेजा की बल्लेबाजी से भी हर कोई वाकिफ है। अगर ये सभी बल्लेबाज अपने रंग में आते हैं तो भारत ये मुकाबला जरूर जीत सकता है।